सो एग्जैक्टली दो दिन पहले जिस दिन पे हम 3 weeks आउट थे उस दिन पे हमें अगले 12 दिनों के कैलोरीज मैक्रोज और कार्डियो अपडेट्स मिले 12 दिनों के लिए इसीलिए क्योंकि 12 दिनों के बाद हम पीक वीक करने वाले हैं। यस आई नो कि ये प्रेप हमने अभी अभी चालू की ऐसा लग रहा है, मुझे तो वो दिन क्लियरली याद है जब हम 84 डेज आउट पे उस बैल्कनी में बैठ के इस प्रेप सीरीज़ का पहला वीडियो शूट कर रहे थे। इट्स क्रेजी दैट ऑल ऑफ दैट हैज़ कम टू एन एंड, पर इन 12 दिनों के जो भी चेंजेस है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन बी एज अपडेटेड विद माई प्रेप एज पॉसिबल। इसके पहले हम 6 दिनों पे 2050 कैलोरीज खा रहे थे और एक हाई कार्ब डे पे लगभग 2400। अब से दो चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहले हमारे कैलोरीज और भी कम हुए हैं और हम इस पूरे प्रेप में फॉर द फर्स्ट टाइम 2000 कैलोरीज के नीचे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। सो परसों से हम 1900 कैलोरीज पे है एंड दिस विल गो ऑन फॉर 6 डेज। फिर हमारे पास एक अच्छा हाई कार्ब डे होगा जहाँ पर हम 450 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ताकि सारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स अच्छे से फुल हो। उस दिन पे गोल ये रहेगा टू कंज्यूम 2450 कैलोरीज। तो मैं ईगरली उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब से 4 दिनों के बाद एक रिफीट डे आएगा, पर इन पिछले 2 दिनों में हमारी एक्टिविटी लेवल रनिंग और वॉकिंग मिला के लगभग 20,000 स्टेप्स के ओर जा रही है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, पर मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और कल रात को मैं 3 या 3:30 बजे सो गया एंड आई स्टिल हैड टू वेक अप अर्ली टू गेट सम स्टेप्स इन। यूजुअली जब लोग प्रेप करते हैं तो उनको हंगर भूख की वजह से रात को नींद नहीं आती, पर मेरा उल्टा है। मैंने सो फार इस प्रेप में हंगर को मैनेज कैसे करते हैं ये अच्छे से सीखा है। आई फील लाइक इसके पीछे 2 मेन रीजंस है। सबसे पहले आई कंसिडर, ये बस मेरा मानना है, मैं किसी को हेट देना नहीं चाहता, आई फील लाइक मेरी विल पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड नंबर 2, नेचुरली मैं एक स्किनी लड़का हूँ। जब मैंने 6.5 साल पहले अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत की तो आई स्टार्टेड ऑफ एट 45-46 kgs। सो अगर मैं खाना बंद कर दूंगा आई विल मोस्ट लाइकली गो बैक टू दैट स्टेट। स्किनी होने की वजह से मेरा नेचुरल एपेटाइट थोड़ा सा कम है जो एक फैट लॉस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा विन है। द रीज़न कि मुझे कल रात को नींद ठीक से नहीं आई वो है कि एक्टिविटी लेवल इतनी ज़्यादा होने की वजह से और फ्यूल के लिए खाना नहीं होने की वजह से मैं कार्डियोवैस्कुलरली बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। मेरी जो टांगे है वो इतना सारा कार्डियो करने की वजह से काफ़ी थकी हुई है एंड इन जनरल सिस्टमिकली मुझे जो भी फटीग है वो अब अच्छे से महसूस हो रहा है। पर इन स्पाइट ऑफ दैट हम अगले 10 दिनों के लिए वी विल पुश थ्रू और आज चाहे मैं सोया हुआ हूँ या नहीं मैं अपने सारे एक्टिविटी लेवल्स चेक करने वाला हूँ, ट्रेनिंग चेक करने वाला हूँ, न्यूट्रिशन चेक करने वाला हूँ। मुझे कोच सर से एक छोटा सा पैराग्राफ भी मिला सेइंग कि आई एम लुकिंग ग्रेट, पर अब बस 12 दिनों के लिए मुझे कैसे तो करके ये स्ट्रेच करना है एंड नाउ इज़ व्हेन अ वेरी बिग डेफिसिट विल बी क्रिएटेड और उसके बाद पीक वीक एंड देन ये प्रेप ख़त्म हो जाएगी। डीप डाउन मैं मेंटेनेंस कैलोरीज या एक छोटे से सरप्लस में खाने के लिए इस पॉइंट पे बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और ऐसा लग रहा है कि फिनिश लाइन अब मुझे दिखाई दे रही है एंड आई जस्ट हैव टू पुल थ्रू एंड गेट टू दैट पॉइंट। और उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जब मेरे सारे हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होंगे, जब मेरी सोशल लाइफ थोड़ी बहुत वापस आएगी, आई फील लाइक आई विल फील क्लोजर टू अ ह्यूमन बींग। अभी मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, बट चेस्ट डे बेस्ट डे, प्री पीते हैं और जिम जाते हैं। सो यूजुअली मैं प्री वर्कआउट हमेशा घर पे पीता हूँ और उसके बाद जिम जाता हूँ ताकि इस प्री वर्कआउट में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उन्हें अच्छे से हिट करने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का समय मिले। पर आज हमने एक शेकर में प्री वर्कआउट इसीलिए कैरी किया है इस बिकॉज जिम के पहले हमें पेट्रोल भरवाना है। यहाँ पर सिर्फ एक बार है, अवधूत दाखाओ तन्ना, एक ही बार पेट्रोल का है और इस गाड़ी का PUC भी ख़त्म हो गया, इसीलिए हम ये दोनों काम करवाएंगे।
और यहाँ पर मेरे जेब के अंदर एक केला भी है। ये हमारा आज का पहला मील होगा। अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह से मैंने सिर्फ एक चीज़ कंज्यूम किया, वो है एक स्कूप वे आइसोलेट। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को जल्दी से समझाता हूँ। एक तो द रीज़न कि हमने प्री वर्कआउट मील नहीं लिया इज़ बिकॉज 1900 कैलोरीज बहुत ही कम है। हमारे पास पूरे दिन भर वो कैलोरी बजट ही नहीं है जिससे मुझे वो लग्जरी मिलेगी ऑफ कंज्यूमिंग कार्ब्स बिफोर द जिम। अब ये बहुत ही ब्रो बॉडी बिल्डर जैसे साउंड कर सकता है कि उठते उठते प्रोटीन पियो, सोने के जस्ट पहले प्रोटीन पियो, बट इट्स एक्चुअली वेरी लॉजिकल। आई फील लाइक ये जो भी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स थे दे वर डूइंग मोस्ट थिंग्स करेक्ट। मैंने कल रात को डिनर 11 बजे किया था, उसके बाद से जब मैं सुबह 8 बजे उठा तो वो इन अ वे एक फास्टिंग विंडो थी, करेक्ट। तो उठते उठते अगर मैं मील यानी वे आइसोलेट नहीं पीता तो मेरा फर्स्ट मील प्रॉबेबली जिम के बाद 1 या 2 बजे होता। इसका डाउनसाइड क्या है, उतने सारे समय के लिए मेरे बॉडी के अंदर कोई अमीनो एसिड्स या कोई प्रोटीन नहीं है जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मसल रिपेयर, मसल रिकवरी, ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे। एक बहुत अच्छी एनालॉजी जिससे आप ये समझ पाओगे वो है कि कल रात को 11 बजे मैंने मील कंज्यूम किया था, तब मेरे बॉडी के अंदर जो भी वर्कर्स है, जो भी कारपेंटर्स है, वो मसल बिल्ड करने में चालू थे। अब 3 या 4 घंटों के बाद जब वो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ उसके बाद से मेरे बॉडी के अंदर के जो भी कामगार है वो लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर मी टू गिव देम सम प्रोटीन और रॉ मटेरियल्स ताकि वो रिपेयर प्रोसेस चालू कर सकेंगे। आई होप दैट हेल्प्स। ये रीज़न था कि मैंने वे आइसोलेट लिया ताकि एटलीस्ट जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बॉडी बिल्डर्स अपने दिन का जो प्रोटीन इनटेक है वो 4 to 5 इक्वली स्प्रेड आउट मील्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। इन माई ओपिनियन इट्स नॉट ओवरहाइप्ड, इट्स वेरी स्मार्ट। ये करने से कॉन्स्टेंटली दिन भर 4 या 5 प्रोटीन सिंथेसिस के स्पाइक्स मिलते हैं एंड दैट हेल्प्स। एंड दिस इज ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि आपको मसल बिल्ड करना है, वरना आप कुछ भी कर सकते हो। अगर जनरल वेट लॉस आपका गोल है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1 meal a day, ये सारे स्ट्रैटेजीज काम करेंगे। बट यहाँ पर हमारा गोल, हमने जो भी मसल टिश्यू बिल्ड किया है उसे प्रिजर्व करते हुए या मे बी इवन बाय बिल्डिंग सम वजन कम करना, ये हमारा गोल है। अब मैं इस केले को खाऊंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई कांट वेट। हो हो हो, किससे पता था केला इतना टेस्टी होता है। फर्स्ट सॉलिड फूड आफ्टर ऑलमोस्ट 13 hours। जय श्री राम। ऑल्सो थ्रू आउट प्रेप मैं अपने सारे ट्रेनिंग सेशंस के पहले यही प्री वर्कआउट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सारे दिनों पे एक स्कूप लेता हूँ जिससे मुझे 200 mg कैफीन मिलता है, सिवाय लेग डेज के। लेग डेज इज व्हेन आई टेक 1.5 स्कूप्स। इस प्री वर्कआउट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो हम एक 4-day स्प्लिट फॉलो करते हैं, राइट। उसकी वजह से चेस्ट डे हर 3 दिन के बाद आता है। अब चेस्ट डे के साथ चीज़ यह है कि बाकी के अपर बॉडी डे से कंपेयर किया पम्प्स सबसे खतरनाक आते हैं, और स्पेशली प्रेप में मैं हर चेस्ट डे का इंतज़ार सबसे ज़्यादा करता हूँ। बिकॉज ट्रू मेरे जो भी अच्छे फिजिक फ़ोटोज़ है वो सारे हमेशा चेस्ट डे पे ही आते हैं। और प्रेप में 12 वीक्स आउट से लेके इस पॉइंट तक हम हर 4 दिनों में थोड़ा सा लीन हो रहा है, इसीलिए इट ग्रेजुअली कीप्स गेटिंग फ्रीकियर एंड फ्रीकियर। और अभी तो प्रेप ख़त्म होने वाली है तो मैं देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक और चेंज, ट्रेनिंग में हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम सेम रहेगा। चेस्ट या हर मसल ग्रुप के लिए पर डे हम अपर कैप 6 sets लगाने वाले हैं, पर हमारा जो टाइम अंडर टेंशन है वो 40 to 60 में 60 के करीब रहेगा, जस्ट टू कीप माई जॉइंट्स अ लिटल सेफ। अभी अगर मैं 40 के करीब फेल कर रहा हूँ इसका मतलब वेट अभी के बॉडी कंपोजिशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है और मेरे जॉइंट्स में आई कैन फील इट। अभी मुझे इस मोमेंट पे
जॉइंट्स में सचमुच सब कुछ फील हो रहा है। चीज़ यह है कि आपके बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा बॉडी फैट है उतना ज़्यादा आपके जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, बिकॉज इन अ वे जॉइंट्स के अराउंड कुशनिंग प्रोवाइड करता है बॉडी फैट। सो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन जनरल वार्म अप करने के लिए आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम, और बॉडी टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे आजकल थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। सो जस्ट गोज टू शो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बॉडी फैट कितना इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी है। ऑफकोर्स ये प्रेप मैं मेंटल और एस्थेटिक रीजंस के लिए कर रहा हूँ, पर जैसे ही प्रेप ख़त्म होती है हम नॉर्मल 10-11% तक जाएंगे और वहाँ पर मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी रेंज है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होती है एंड आई जस्ट फील नॉर्मल। सो यूजुअली जब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मैं अराउंड 33 या 40 से एक वार्म अप सेट करता हूँ, मे बी उसके पहले एक और करता हूँ और फिर डायरेक्टली अपने टॉप सेट पे जाता हूँ। पर अभी मुझे जितना हो सके उतना सेफ रहना है, इसीलिए आज मैंने 3 वार्म अप सेट्स किए, 26, 40 और 61। अब हम टॉप सेट के लिए 89 केजीज करेंगे। मेरे ठीक सामने एक स्टॉप वॉच है, दिस इज़ व्हेन द ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट्स। लेट्स गो, गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Oh, class. Wow. Chest day चालू हो गया है. Let's go. Good reps only. Not done yet. Not done yet. Partials. Good reps only. Not done yet. साढ़े छः सालों के लिए कंसिस्टेंटली ट्रेन करने के बाद ऐसा बहुत कम होता है कि ड्रास्टिकली कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा चेंज। सो आई फील लाइक पिछले 3-4 महीनों में मेरी जो भी फिजिक डेवलपमेंट हुई है, जो डेफिनेटली हुई है, उसका मेन क्रेडिट मैं टाइम अंडर टेंशन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग को देना चाहता हूँ। मोस्ट पीपल एट द जिम ट्रेन फास्टर व्हेन इन रियलिटी दे आर सपोज टू ट्रेन स्लोअर। लॉजिकली सोचो, अगर मैं कोई भी मूवमेंट जितना एक्सप्लोजिवली हो सके उतना एक्सप्लोजिवली लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं टारगेट मसल ग्रुप के साथ साथ मोमेंटम और एक्सटर्नल फैक्टर्स का असिस्टेंस ले रहा हूँ।
मोमेंटम जब भी इक्वेशन के अंदर आ जाता है उसका मतलब मेरा टारगेट मसल जो फोर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो कम होता है बिकॉज ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम मोमेंटम. सो बॉडी बिल्डिंग में आई थिंक सबसे पहले तो क्रेडिट देवन को जाता है बिकॉज जिस दिन मैं उसके साथ ट्रेन किया यहाँ पे उस दिन से मैं कितना वेट उठा रहा हूँ उस पर मेरा कम और कम और कम ध्यान जाने लगा. एंड इन अ वे देवन ने मुझे वो रीअश्योरेंस दिया टू लीव माई ईगो इवन मोर एंड टू प्योरली फोकस ऑन स्टिम्युलेटिंग द टारगेट मसल ग्रुप. देवन से मिलने के पहले ऑफकोर्स मेरी टेक्निक अच्छी थी, मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता था, आई यूज टू कंट्रोल द वेट, बट आई वुड स्टिल से मैं थोड़ा सा मोमेंटम और कुछ रेप्स अचीव करने के लिए थोड़ी सी चीटिंग इस्तेमाल करता था. पर जब मैंने देवन को 17.5 केजी के साथ शोल्डर प्रेस लगाते हुए देखा, जब मैंने देवन को 7.5 केजी के साथ लैटरल रेज करते हुए देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर एक बंदा 10 साल के लिए ट्रेन कर रहा है और उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं है तो मेरे अंदर क्यों है. तो उस पॉइंट के बाद जो भी बचा हुआ ट्रेस ईगो मेरे अंदर था वो भी कम्प्लीटली चला गया. आई रियली स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ऑल माई मूवमेंट्स और उसकी वजह से आई थिंक मैं जिम में जो भी इनपुट दे रहा हूँ उसका ऑलमोस्ट 100% आउटपुट मुझे अपने टारगेट मसल ग्रुप में रिफ्लेक्ट हो रहा है. कोई मुझे पूछ रहा था कि टाइम अंडर टेंशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होता है. इन द मोस्ट सिंपल वे आपको अपने सारे सेट्स टाइम करने चाहिए, आपके नीचे एक स्टॉप वॉच रखो या अगर जिम फ्लोर पे एक्सेसिबल एक घड़ियाल है घड़ियाल तो उस घड़ियाल की ओर देखो एंड जस्ट मेक श्योर कि आप 40 टू 60 के बीच में फेल कर रहे हो. इससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसके पहले आप कितना अननेसेसरली हैवी वेट उठाते थे, टू यू विल रियलाइज़ कि आप मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, एंड थ्री यू रियलाइज़ कि आप 20-25 सेकेंड्स पे ही फेल कर रहे थे. ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है इट विल रियली हम्बल यू, आपके सारे जॉइंट्स बहुत सेफ रहेंगे एंड येस इनिशियली आपको लोड कम करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए एक नया टाइप ऑफ स्टिमुलस होगा. आपको वेट को 100% कंट्रोल करने की मे बी आदत नहीं होगी बट इवेंचुअली जब आप ये स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिस करोगे विद इन 3 or 4 weeks आप वो सेम वेट्स रेप आउट करोगे जो आप पहले ईगो के साथ करते थे एंड इन दोज 3 to 4 weeks इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल योर मसल ग्रुप. दूसरा क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत आता है वो है कि ये स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग पे प्रोग्रेस कैसे करें. सिंपल एग्जांपल, आज मैंने अपना पहला सेट 89 के साथ किया और मैं 42 सेकंड्स पे फेलियर तक पहुंचा. मे बी एक महीने के बाद मैं सेम वेट 89 केजीज के साथ 55-56 सेकंड्स पे फेलियर तक पहुंचूंगा. फिर एक ऐसा दिन आएगा जहां पर मैं वो सेम वेट 60 सेकंड्स के बियॉन्ड कंट्रोल कर पाऊंगा. जब वो दिन आएगा तब मैं वेट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊंगा एंड दैट विल गेट मी क्लोजर टू द 40 सेकंड मार्क अगेन. दिस इज़ हाउ आई प्रोग्रेस यूजिंग टाइम अंडर टेंशन. और इसका एक काउंटर भी है. काउंटर यह है कि अगर मैं 89 के साथ आज सिर्फ 34-35 सेकंड्स पे फेलियर तक टच करता इसका मतलब जो वेट मैंने इस्तेमाल किया है दैट वॉज हैवियर देन आई कुड हैंडल. मैं इसका एक मेंटल नोट लूँगा और अगले चेस्ट डे में वेट को थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा सो एज टू स्टिक इन दैट 40-60 सेकेंड जोन. गुड रेप्स ओनली. Not done yet. Not done yet. What a set. Good reps only. Yeah.
Not done yet. Not done yet. Not done yet. Push. Prep hitting hard. Fuck, prep hitting hard. At least हमने उस set को अपना 100% दिया. So हमारे आज के दो main compound movements हो गए हैं. Chest के लिए एक horizontal press, shoulders के लिए एक vertical press. अब बचा हुआ जो भी training session है, उसमें सिर्फ isolation exercises बचे हैं. पहले हम shoulders के लिए lateral raises करेंगे, cables के साथ. और फिर उसी केबल स्टेशन पे थोड़े से चेस्ट फ्लाइज. पर मैं अपने आप को ऐसे बहुत देख चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी मेरी फिजिक बहुत फ्लैट लग रही है. यस आई नो दिस मे बी द ड्रीम फिजिक फॉर मेनी पीपल, पर मैं यूजुअली खुद को बहुत ही कार्ब्ड अप देखता हूँ. इफ़ आई स्टैंड लाइक दिस विदाउट फ्लेक्सिंग, तो ये जो भी वेन्स है वो काफ़ी अंदर है. यूजुअली जब मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, तो जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस विद अ पंप ये सब बाहर निकलता है. पर फ्लैट होने का एक एडवांटेज यह है कि फ्लेक्स करने के बाद फाइबर्स बहुत अच्छे से दिखते हैं. ये जो भी चेस्ट के स्ट्राइशंस हैं वो अच्छे से नज़र आते हैं, शोल्डर स्ट्राइशंस नज़र आते हैं, पर वैस्कुलरिटी इतनी नहीं होती. फील लाइक कार्ब्स और वैस्कुलरिटी का एक बहुत अच्छा रिलेशन है. पर मैं फ्लैट हूँ इसका ये मतलब है कि मेरी बॉडी बहुत ही डिप्लीटेड है, इतना ज़्यादा वाटर होल्ड ऑन नहीं कर रही है. सो मैं ये इंडिविजुअल फाइबर्स, स्ट्राइशंस, ये सब अच्छे से देख सकता हूँ आफ्टर फ्लेक्सिंग ऑफकोर्स. या दैट्स द शॉट. देर, चलो टाइम पास बहुत हो गया, अब जाके ट्रेनिंग करते हैं. पर आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ले रहा हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज़ टेकन अ हिट. सो मैं हर सेट के बीच में एटलीस्ट 4 से 5 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं अगले सेट को अपनी फुल इंटेंसिटी दे पाऊँगा. इस वक्त सिर्फ 2 या 3 मिनट रेस्ट किया तो मेरी ब्रेथ वापस नहीं आती, एंड आई एम नॉट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड. प्रेप ब्रेन जिसे बोलते हैं वो फुल ऑन हिट हो रहा है. गुड रेप्स ओनली. Not done yet. Not done yet. Class. Good reps only.
Not done yet. Not done yet. Not done yet. There. बहुत लोग वो लास्ट रैप अटेम्प्ट नहीं करते, बट हम बहुत लोग नहीं हैं. वैसे ही लगना चाहिए. ट्रेन हार्ड यार. डू यू वॉन्ट इट और नॉट? क्या भाई. सी, इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू आपको आपकी ड्रीम फिजिक कितनी बैडली चाहिए. अगर हम दो लोग लेते हैं, मेरे ही दो वर्जन ले लो. एक जो 16 साल की उम्र में इतना सीरियस नहीं था, जिसे सचमुच दिल से ये फिजिक नहीं चाहिए थी, दैट वर्जन ऑफ मी वुड नेवर रीच हियर. क्यों? क्योंकि उसकी वो विल ही नहीं है. वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, हमने बचपन से सुना है. आई फील लाइक वो सबसे ट्रू कोट है, अप्लाइज टू एनीथिंग. वाओ. अब देखो, मैं और डबल ट्रेनिंग एज के बाद, मतलब 13 ईयर्स ऑफ टोटल ट्रेनिंग के बाद, जैसा दिखूंगा वो मुझे अभी इस मोमेंट पे बहुत बैडली चाहिए. और मैं उससे डिस्करेज नहीं होता कि उसके लिए मुझे और 6.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी. मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, मैं उससे मोटिवेट होता हूँ. मेरे अंदर की जो पैशन है, जो ड्राइव है, वो उससे बहुत इग्नाइट होती है. आई रियली वॉन्टेड यार. इट ऑल कम्स डाउन टू दैट. लास्ट सेट है. Not done yet. Not done yet. There. मैं मशीन चेस्ट प्रेस होने के बाद ईगो के बारे में जो भी स्पीच दे रहा था, उसका एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल लैटरल रेजेस है. मैं कभी कभी अपने 2021 के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ. उसमें जो भी पुश डेज रहते थे, चेस्ट, शोल्डर्स, इन दोनों की कंपाउंड मूवमेंट होने के बाद, मैं एंड में डंबल लैटरल रेजेस लगाता था. पर मैं वो लैटरल रेजेस बहुत ही घटिया टेक्निक के साथ लगाता था, ऐसे मुझे अभी लगता है, बिकॉज आई नो बेटर नाउ. मैं आई थिंक 15 या 12.5 केजी के डंबल्स देता था और मैं वेट को बहुत ज़्यादा स्विंग करता था. येस, इट यूज़ टू लुक वेरी कूल, क्योंकि उस टाइम पे मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे था. एंड इफ़ आई डू एनीथिंग विथ माई शोल्डर्स, वो अच्छा ही दिखता. और मेरे पास थोड़ा सा मसल था और वो सारे फाइबर्स दिखने की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि लैटरल रेजेस लगाने का सही तरीका वो है. पर नाउ अगर मैं उस वाले 2021 वर्जन ऑफ साकेत को मैं लैटरल रेजेस लगाते वक्त कितना वेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा, उसे यकीन नहीं होगा. आई फील लाइक वो वाला साकेत बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाएगा. यहाँ पर देखो, हाउ तिकड़े हैं, इन सबको दिखाते हैं. विदाउट एनी वेट ये है, मैं वेट स्टैक का पहला वेट इस्तेमाल कर रहा हूँ लैटरल रेजेस लगाने के लिए. दैट प्लस 1 kg, बस दैट्स ऑल. छोटा मसल ग्रुप है, उसे आइसोलेट करने के लिए ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं रहती. इससे अच्छा वेट को कंट्रोल करो, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे 1 सेकेंड होल्ड करो. सोचो अगर देओन जितना बड़ा बॉडी बिल्डर 7.5 kg इस्तेमाल करता है साइड डेल्ट्स को स्टिम्युलेट करने के लिए, तो आप 15 kg 17.5 kg के साथ क्यों कर रहे हो? थिंक ऑफ इट दैट वे. ईगो को स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, पर जब आपको अपने फिजिक में आपके साइड डेल्ट्स ग्रो होते हुए दिखेंगे और जब आपको कोई शोल्डर पेन नहीं आएगा, जब आपके सारे जॉइंट सेफ रहेंगे, देन यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग दिस इवन मोर. Mm.
not done yet. Yeah, not done yet. Not done yet. There. Last set. Best set. Let's go home. Bus. Two lateral raises, 3 OHP. Bus. Avdhoot. Front raise. Go. Front raise. Nahi kiya. Ek second. Front raise. Aur kya bacha hai? Ek aur bacha hai. Avdhoot. Behind the neck press. Standing dumbbell overhead press nahi kiya. Single arm lateral raise nahi kiya. Shit. Chale gaye gains. Yeah, I think इस पूरे prep का सबसे अच्छा chest session था. In spite of feeling flat, एक तो अवधूत को एक बहुत बड़ा shout out. जब भी वो यहाँ पर gym floor पे रहता है और हम दोनों साथ में मिलके एक long form YouTube video shoot करते हैं, मेरे training sessions हमेशा अच्छे जाते हैं. Partly because ये हमेशा मेरे physique को appreciate करता है and there's somebody to talk to. So support system के बिना ये इतना अच्छा प्रेप नहीं जाता. 6 सेट्स ऑफ चेस्ट, 5 सेट्स ऑफ शोल्डर्स का एंड रिजल्ट, वाओ. मैंने भी खुद को जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है. वाओ, ये मेरा सपना था सच्ची में. Becoming like this someday. अब 6.5 सालों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ड्रीम फिजिक के ओर जा रहा हूँ. 3 साल बाद नहीं लगा था, 4 साल बाद नहीं लगा था. नॉलेज इज पावर. अब तो बस कार्ब अप का इंतजार है. वो जो रिफीट डे होगा जहाँ पर हम 450 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करेंगे, सोचो कैसा होगा. 6 फ्लैट लो डेज के बाद दैट वन डे इज गोइंग टू बी एपिक. आई थिंक हम उस दिन एक फुल डे ऑफ ईटिंग शूट करेंगे. करना तो है. वाओ मैन. रूम के अंदर जाते हैं, थोड़े से शर्टलेस फोटोज वीडियोज निकालते हैं. कितनी सीसी है? 1000 600. तू चालवली है का कधी? 1000 सीसी बाइक? मैक्स 350 चालवली आहे. जाणवत ना पावर? हां. मग 1000 कसं वाटेल? डायरेक्ट वुडन. माय फर्स्ट टाइम चालवत पण नाही.